स्टार न्यूज की टॉप 10 सुपर फास्ट खबरों में आज आपका स्वागत है। भागीराठी न्यूटिया हॉस्पिटल ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि टीएमसी सांसद और टोली अभिनेत्री नुसरत जहां ने एक बेटे को जन्म दिया है और मां और नवजात शिशु दोनों ही अच्छी शारीरिक स्थिति में हैं। बीजेपी पर जमीनी कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप, घटना चापादानी इलाके की है। थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। दो भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। चुनाव के बाद हुए हिंसा में भाजपा कार्यकर्ता की मौत की जांच के सीबीआई केंद्रीय सुरक्षा वालों के साथ मृतक भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के घर नारकलडांगा पहुंची। विद्यापति के पूर्व अध्यक्ष धोखाधड़ी रैकेट के शिकार हुए। पोता को एमबीए पढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। इसी तरह प्रभास बाबू ने फेसबुक के जरिए कई कंपनियों से संपर्क किया। बाद में पूर्व चेयरमैन को पता चला कि ये कंपनी फ्रॉड है। बंकुड़ा में आज्ञात बीमारी से 3 की मौत। वो कई दिनों से उल्टी और पेट दर्द की समस्या से जूझ रहे थे। घटना के तुरंत बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां मौके पर पहुंची। भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। सीआईडी ने 4,250 करोड़ रुपए मूल्य के रेडियो एक्टिव मेटल कैलिफोर्नियम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से सीआईडी की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। आसनसोल के कुलती में एक रेल कर्मी का शव बरामद होने से हलचल मच गई है। शव चिंकुड़ी रेल साइडिंग के पास मिला था। कोलकाता की पुलिस के हाथों फर्जी अधिकारियों की गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी ही है। अब एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया गया है जिसने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर खुद को आईपीएस अधिकारी के तौर पर बताया था। ऐसे के साथ धोखाधड़ी का आरोप, गिरफ्तार बीजेपी अल्पसंख्यक नेता नाज़िया इलाही खान बीजेपी के अल्पसंख्यक चेहरों में से एक है। राज्य भाजपा के अल्पसंख्यक चेहरों में से एक नाज़िया इलाही खान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने केस लड़ने के नाम पर कई लोगों से पैसे लिए हैं, लेकिन आरोप ये है कि मुकदमा नहीं लड़ा है।